ऑब्वियसली बहुत एक अपना शहर था कानपुर, और बहुत अपना ज़िंदगी के बहुत अच्छे साल मैंने वहाँ बिताए हैं बचपन और बड़े होने तक। तो मेरा एक मन था कि एक ऐसी फिल्म बने जो कि पूरी तरह वहाँ शूट हो, जो कि चीट ना की जाए गोरेगांव वेस्ट में, फिल्म सिटी में, वही में, जो इंटायरली कानपुर में शूट हो, जो कानपुर में उसके गंगा घाट के अलावा भी वहाँ के जो सोल है, जहाँ लड़के बातें कैसा करते हैं, मस्ती कैसे करते हैं, वहाँ की लड़कियाँ कैसी होती हैं लखनऊ की। और एक चीज़ शायद मैं अंदर बोलना भूल गया कि पिक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कानपुर लखनऊ की लड़ाई भी है, क्योंकि कानपुर लखनऊ एज अ कैरेक्टर बहुत डिफरेंट शहर हैं, जबकि उनमें कुछ 75 किलोमीटर का ही फासला है। लखनऊ के लोग बड़े ही थोड़ा प्राउडी और पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड 10 बजे सोने वाले टाइप के होते हैं, और कानपुर वाले बड़े पान मसाला लेदर की ज़मीन है। तो मेरे घर में वो था, मेरी मम्मी कानपुर की है, मेरे पापा लखनऊ के, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो मेरा बहुत मन था दिखाने का, और एक साफ सुथरी फिल्म बनाने का विचार था। ऋषिकेश मुखर्जी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे लगता है वैसी फिल्म बनाने की अभी कोई कोशिश करता नहीं है, और करते हैं तो बहुत कम लोग। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक बार ये कोशिश कर सकूं, वो भी अपने शहर में रह के, जहाँ पे एक साफ़ सुथरी प्यारी सी फिल्म है, इतनी सी भी वल्गैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम फैमिली मज़ेदार पिक्चर है, और एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो साफ़ सुथरी हो, कुछ पुराने स्टाइल की हो, जैसे लेट 70s में बनती थी, बस ये मन था। और ट्रेलर लॉन्च हो गया है तो बहुत खुशी है। एक जर्नी होती है हर फिल्म की, बहुत वक्त लगा इसको बहुत वजहों से, तो यहाँ तक पहुँच गई। तो सबसे ज़्यादा खुशी एक डायरेक्टर को ही होती है कि उसकी फिल्म यहाँ तक पहुँच जाए और लोग पसंद करें और देखें। और फिल्म पहले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बिक चुकी है, आई थिंक अमेज़ॉन प्राइम पे उस पर आएगी ये फिल्म 4 महीने बाद थिएटर रिलीज़ के। तो उसको एक उसकी लाइफ भी मिल गई जहाँ तक वो सही लोगों तक पहुँचेगी। या जैसा मैंने बताया ना कि मेरे पापा हैं लखनऊ के, डॉक्टर हैं, आई सर्जन हैं, मेरी माँ है वो कानपुर की हैं, तो वो एक हमें जो घर पे ही दिखता था, हालांकि उन लोगों में बड़ा आश्चर्य, मुझे कभी झगड़ा नहीं होता, बट बातें दोनों हमेशा उल्टी करते हैं आज तक। तो मुझे लगता था बड़ा कमाल है। हाँ, मेरे मामा मामा से उनका बहुत झगड़ा होता था, तो वो लोग आप तम्बाकू खाए बिना बात नहीं करेंगे, कानपुर वाले अपना पान की दुकान में खड़ो के सारी राजनीति हो जाती है, सचिन को क्रिकेट कैसा खेलना चाहिए वो भी पान की दुकान में आ जाता है, मोदी जी को देश के लिए क्या करना चाहिए वो भी हो जाता है। तो जो एक बड़बोलापन है वहाँ का, बहुत बोलने की आदत, तो वो और उसके बाद भी लोग बड़े ही अंदर से बड़े ही डरपोक टाइप के होते हैं। तो मुझे उस तरह की जो एक बड़ी बारीकियाँ थी छोटे शहर की, मुझे वो दिखाने का बहुत मन था। तो या मेरा बहुत कुछ मैंने ड्रॉ किया, मतलब इतनी सारी चीज़ें इस फिल्म में मेरी लाइफ से और मेरे आस पास के लोगों से, अगर बताऊँगा तो मतलब सुबह हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें। किरदार के बारे में, मेरे मतलब एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि विशाल सर खुद कानपुर के हैं। मैं इस फिल्म के पहले कभी कानपुर, लखनऊ, यूपी में कहीं पर भी नहीं गई थी, तो हमने, मैं और कुणाल ने दोनों ही विशाल सर के साथ बहुत टाइम स्पेंड की, और वो बहुत ही क्लियर थे कि वो इन दो कैरेक्टर्स के पीछे, जो भी उनके विचार के पीछे, उनके मतलब बोलने के तरीके में, उनके सोच विचार में इंटेंशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो बहुत ही क्लियर थे। तो वो सब जब इन्होंने बताया, और एक और ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि वो तैयार थे, हमें शूट के पहले वहाँ ले जाने के लिए तैयार थे। तो हम लोग एक्चुअली शूट के पहले कानपुर गए थे, और लैंड होते ही हम लोग मिठास गए जो मिठास गए जो कानपुर में बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग खाना मिलता है वहाँ पे। तो बैठ के हमने फुल ऑन कानपुरिया खाना खा के फिर 2-3 दिन वहाँ रेकी वेकी के टाइम पे मैं विशाल सर के साथ ही थी, तो वहाँ के जो मतलब वहाँ का जो बोलने का तरीका, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की लड़कियाँ कैसे हैं, उनमें एटीट्यूड कैसा है, वो सब देख के फिर आई थिंक बहुत ही फ़र्क पड़ा। तो हम लोग बहुत लकी थे कि सबके पास टाइम था, विशाल सर ने हमें इतना मतलब समय दे के फिर हम लोग शूट करने गए। तो हम लोग बहुत लकी थे क्योंकि कभी कभी आपके पास समय नहीं होता है प्रेपरेशन करने के लिए, लेकिन हमारे पास वो था। जिस तरह का लड़के को दिखाया गया है इस फिल्म में, क्या आपने ऐसे लड़के से कभी मतलब मुखातिब हुई, आप अगर कुछ शेयर करना चाहें? इस तरह के एक्चुअली ऑनेस्टली मरुधर टाइप का कोई लड़का हो ही नहीं सकता है, एंड आई थिंक सारी जो लड़कियां हैं मरुधर से, मतलब दे फॉल इन लव विद मरुधर, आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर,
आई नो विशाल सर को जानते भी है कि मैं तो बार बार उनको मैसेज भी आज तक भेजती हूँ कि आई लव मरुधर, आई लव मरुधर. वो कैरेक्टर इतना प्यारा है, आई थिंक गर्ल्स आर गोना गो मैड बिकॉज ही इज जस्ट सो प्योर. तो अभी तक लाइफ में देयर इज ओनली वन मरुधर एंड दैट इज मरुधर इन द फिल्म. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बोलता हूँ हमेशा इंटरव्यूज में, मैं कभी झूठ नहीं बोलता. तो बहुत अजीब और गरीब चीज़ थी कि कुणाल राय कपूर को हम मिले थे कोई चीज़ के लिए. मैं मिला था एक फिल्म के लिए, वो फिल्म शुरू हो ना हो मुझे पता नहीं था. तो मैं ये फिल्म शुरू कर रहा था, मैंने कुणाल को बोला तो कुणाल से दोस्ती अच्छी होगी, तो बोला फिल्म करते हैं. तो कुणाल तो एक तरीके से फर्स्ट चॉइस थे आप कह सकते हैं, बट मैं बहुत डरा हुआ था अंदर से कि क्योंकि शबीना खान जी हैं जो प्रोड्यूसर हैं गब्बर राउडी राठौड़ की बंसाली सर के साथ, उन्होंने मुझे कुणाल जी को दिलाया था बेसिकली, उन्होंने मिलवाया था. तो मुझे बड़ा डर था यार, मैंने हाँ तो बोल दिए पर ये कानपुर का कैसे लगेगा, साउथ बॉम्बे का लड़का और ये दिल्ली वैली टाइप का और ये नौटंकी साला, बड़ी मॉडर्न फिल्में की हैं. तो बहरहाल वो एक डर था. लड़की हम ढूंढ रहे थे कि मैं भाई कानपुर लखनऊ की लगने वाली एक लड़की चाहिए. तो उसमें जितना भी आप बॉम्बे में लड़कियाँ अगर आप जैसे अगर आप ऑडिशन करो या आप लोगों से मिलो तो आपको सब एक जैसी जिम जाने वाली, एक जैसी फिट, एक जैसी वो सब मॉडल्स वन ऑफ एक्ट्रेस मिलती हैं. तो कोई ऐसा कोई पैकेज था नहीं. तो मैं एक और कोई एक्ट्रेस थी, उनका नाम मैं कोई मतलब नहीं यहाँ लेने का, और अच्छा हुआ नहीं मैंने उन्हें लिया. आई एम रियली लकी उनकी आ चुकी हैं अभी दो तीन फिल्में. तो ऑलमोस्ट मैं उनके साथ काम करने को तैयार था, सब हो गया था, ऑलमोस्ट रेडी था कॉन्ट्रैक्ट. और उस दिन किसी वजह से इनके जो सारा इनका काम देखते हैं कुणाल एम शाह, तो वो मेरे बहुत अच्छे और बहुत पुराने दोस्त थे. दोस्त क्या है, हमारे साथ के ही हैं. जब मैं फिल्म क्रिटिक होता था तो वो भी फिल्म क्रिटिक ही थे और वो मेरे बहुत पहले से हैं. तो मैं कुणाल को फ़ोन किया कि यार मेरे को ऐसे ऐसे ज़रूरत है, वैसे मुझे एक पसंद आ गई है, बट कहने के लिए वहाँ मत जाना, अरे वो तो बहुत गड़बड़ है मामला, तो बहुत बहुत परेशान करेगी शूट पर. तो मैंने कहा फिर कौन, तो देन तारा वॉकड इन एंड आई थिंक आई मेट तारा ट्वाइस प्रॉबेबली फॉर वेरी ब्रीफ टाइम. शी डजंट स्पीक मच, शी इज़ वेरी फॉर्मल. सो एंड बट इनका मैंने फिल्में देखी हुई थी, एज ए क्रिटिक मैंने रिव्यू की हुई थी दोनों फिल्में, लव गेम्स और मस्तराम. तो मुझे आइडिया था कि वॉट आई एम गेटिंग इन टू. बट जब मैं इनसे मिला तो मैंने बताया कि इस तरह की फिल्म है. बट मैं ऑन सीरियस नोट बोलना चाहूँगा तो तारा वॉज एग्जैक्टली द सेकेंड चॉइस एंड देन शी बिकेम द फर्स्ट चॉइस. बट आई थिंक शी इज द प्रॉबली ओनली एक्ट्रेस, आई हैव डन फोर फिल्म विद फाइव सिक्स एक्ट्रेसेस. She sleeps at 10. She has a very strict lifestyle. She doesn't entertain even director, actor, anyone.